दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐसा सांसे रोक देने वाला मुकाबला खेला गया जैसा क्रिकेट इतिहास में आज तक नहीं हुआ। मुकाबले के आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 19 रनों की दरकार थी। पहली बॉल पर एक रन बना मिचेल स्टार्क का ये ओवर था। इसके बाद स्टार्क ने गलती कर दी, उन्होंने वाइड और चौका दे दिया। न्यूजीलैंड को फ्री में 5 रन मिल गए। ओवर की दूसरी गेंद पर 2 रन बने, मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होता जा रहा था। तीसरी बॉल पर निसम ने शानदार चौका लगाने का प्रयास किया लेकिन बाउंड्री पर बेहतरीन फील्डिंग हुई। हवा में उड़ते हुए लबुसेन और मैक्सवेल ने चौका बचाया। चौथी गेंद पर एक बार फिर से 2 रन बना, अब 2 गेंदों में 7 रन की दरकार थी। पांचवी गेंद पर भी मिचेल स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी की और 1 रन बना और वहीं पर रन आउट भी हो गए बल्लेबाज। जी हां, निसम रन आउट होकर पवेलियन चले गए। इसके बाद आखिरी गेंद पर भी केवल एक ही रन दिया मिचेल स्टार्क ने और अपनी टीम को मुकाबला जितवा दिया। दोस्तों इस ओवर में इतने सारे ड्रामे हुए कि जितना कहा नहीं जा सकता, और अंत में मिचेल स्टार्क ने अपने देश की इज्जत बचा ही ली। तो दोस्तों आप स्टार्क की गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।